हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माउंट कॉमन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस बिजनेस स्टडी क्लास ट्वेल्थ में लता मालवीय फ्रेंड्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जिसमें हमने मैनेजमेंट uh, का मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ़ मैनेजमेंट नेचर ऑफ मैनेजमेंट के पहले हम समझते हैं नेचर क्या है नेचर मतलब कि हम किसी भी चीज़ का अगर नेचर पढ़ना चाहेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जैसे उसका बिहेवियर क्या होता है उसकी कैपेबिलिटी क्या होती है उसकी मैरिट्स क्या होते हैं एक्सेट्रा इसी तरीके से हम यहाँ पर मैनेजमेंट के नेचर दैट मीन्स उसके बिहेवियर उनकी कैपेबिलिटी और मैरिट्स को डिफाइन करेंगे तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट नेचर ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है हमने कहा ना कि हम उसके बिहेवियर को पढ़ेंगे तो बिहेवियर में मैनेजमेंट एक साइंस भी है एक साइंस जैसा बिहेव भी, भी करता है तो साइंस क्यों है क्योंकि साइंस के कुछ फीचर्स जैसे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स ये फीचर्स मैनेजमेंट में भी इंक्लूड होते हैं अगर हम साइंस में कहें कि साइंस में जितने भी फॉर्मूलेस होते हैं या कोई भी जो भी लॉज बनते हैं वो एक फैक्ट पर बनते हैं तो वो इस्टेब्लिश फैक्ट पर बनते हैं दैट मीन्स हर तरह से वहाँ पर एक सिस्टमेटिक बॉडी क्रिएट की जाती है वैसे ही मैनेजमेंट में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और उनकी भी एक सिस्टमेटिक बॉडी क्रिएट की जाती है नेक्स्ट है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट साइंस में जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो एक्सपेरिमेंट के आधार पर बनाए जाते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रेविटी लॉ जो न्यूटन्स के द्वारा बनाया गया है और न्यूटन्स ने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बनाया है नेक्स्ट है हमारा साइंस एज एन आर्ट अगर हम कहते हैं कि साइंस सॉरी मैनेजमेंट एक साइंस है तो मैनेजमेंट दूसरी ओर आर्ट भी है तो पहले हम आर्ट को डिफाइन करते हैं आर्ट कैन भी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल्स क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन आर्ट भी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें हमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है क्रिएटिविटी होना चाहिए और परफेक्ट प्रैक्टिस होना चाहिए जिससे हम परफेक्ट हो सके आर्ट में आर्ट के जो फीचर्स uh, होते हैं जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ थेरेपिकल नॉलेज पर्सनलाइज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी जो मैनेजमेंट में भी इंक्लूड होते हैं प्रेजेंट होते हैं जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरटिकल नॉलेज जैसे अगर हमने कहा कि किसी म्यूजिशंस को राग दैट मीन्स जो हम म्यूज़िक में जो राग सीखते हैं अगर वो सीखना है तो उसको सबसे पहले उसके लिए बहुत सारी थोरटिकल बुक्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में जिससे वो सीख सकता है दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस जितने का नॉलेज होते हैं वो ज़रूरी नहीं है उसी से वो सीख सकें उसके लिए पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी को भी अप्लाई करना पड़ता है जैसे एक अगर बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं वो राग को सीख नहीं सकते म्यूजिक को सीख नहीं सकते उसके लिए उसका पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल पर्सनल नॉलेज और स्किल्स भी होना ज़रूरी है नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस uh, जब तक कोई आर्टिस्ट लगातार रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करता है तब तक वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं बनता है उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी जब तक हम क्रिएटिविटी नहीं लाएंगे जब तक हम बार बार प्रैक्टिस नहीं कर पाए करेंगे तब तक हम वहाँ पर भी परफेक्ट perfect नहीं परफेक्टनेस नहीं ला सकते यहीं आगे हम चलते हैं अगर हमने कहा कि मैनेजमेंट एक साइंस है मैनेजमेंट दूसरी ओर वहीं पर आर्ट भी है तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है तो यहाँ पे प्रोफेशन को हम डिफाइन करेंगे प्रोफेशन रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन बैक एंड ट्रेनिंग इन विच इंटरी इज रिस्ट्रिक्टेड प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्युपेशन है जो कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर होता है ट्रेनिंग पर है जिसमें हर किसी की एंट्री नहीं हो सकती इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज जैसे प्रोफेशन जिन जो डॉक्टर्स होते हैं उनका प्रोफेशन होता है डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करना उसके लिए उनको एक स्पेशलाइज स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी एक वेल डिफाइंड नॉलेज की ज़रूरत होती है बहुत सारी बुक्स मैनेजमेंट की मार्केट में अवेलेबल होती हैं जिसको पढ़ने से उनके प्रिंसिपल को उनके टेक्निक को उनकी सिचुएशन हर सिचुएशन में वो मैनेजमेंट को डेवलप कर सकें ऐसे टेक्निक्स को उसमें बताया जाता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हर जैसे डॉक्टर्स जब तक आप एम बी डिग्री नहीं लेंगे हर हर कोई डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर सकता उसी तरीके से यहाँ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजर को अपॉइंट करती है तभी अपॉइंट करती है जब वो एम करता है मैनेजमेंट मास्टर ऑफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें मैनेजर्स के स्किल्स और उसकी प्रैक्टिसेस के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है नेक्स्ट लास्ट है हमारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एथिकल कोड हर प्रोफेशन में फिक्स्ड होता है बाय द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में उनके लिए एक कोड फिक्स किया जाता है उसी तरीके से मैनेजमेंट के लिए भी जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनके लिए भी एक कोड कंडक्ट किया गया है जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया है इसमें हर किसी को हर मैनेजर्स को लीगली कंपलसरी नहीं है लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें जितने भी मैनेजर्स हैं उसको उनको वहाँ पर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच